पार्टी के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो सामने आया। लाठी इकट्ठा करते दिख रहे हैं कुछ लोग। स्थानीय लोगों ने किया था लाठियां ले जाने का विरोध। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरें। 15 अप्रैल की रात करीब 2:11 का यह वीडियो है। पुलिस स्थानीय लोगों का भी दर्ज करेगी बयान। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस की आरंभिक रिपोर्ट तैयार, सौंपी गई गृह मंत्रालय को रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक साजिश के तहत दंगे हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को किया तैनात। सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां तैनात की गई। अब तक कुल 15 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती। आरएफ के जवानों ने भी संभाला मोर्चा। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोग पकड़े गए, इनमें 2 नाबालिग भी शामिल। आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर सकती है कुछ और गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों से सवाल जवाब के बाद एक्शन तेज। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला 10 से 12 साल पहले आया था दिल्ली। वहीं आज सोनू को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मंगल बाजार से पकड़ा गया सोनू। पिस्टल बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस यह पता लगाने की कर रही थी कोशिश सोनू को कहां से मिला था यह हथियार। साजिश के तार खंगालने की कोशिश किया। अंसार और असलम को बाहर से मिल रहा था कोई निर्देश। पुलिस खंगाल रही है अंसार की कॉल डिटेल। 16 अप्रैल से पहले की बातचीत पर खास जोर। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम 2 दिन और रहेंगे पुलिस हिरासत में। हिंसा को लेकर पड़ताल जारी। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के गांव बंगाल पहुंची आज तक की टीम। हल्दिया के कुमार ग्राम में है मकान। गांव वालों ने बताया कि चुनाव के वक्त वोट डालने आता है अंसार। लोगों ने के मुताबिक उसे फंसाया गया। मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन ने कहा 3री बार आई थी शोभा यात्रा। मस्जिद में झंडे फेंके जिसे अगले दिन पुलिस ले गई। इमाम सलाउद्दीन ने कहा शोभा यात्रा की तरफ से आए पत्थर फिर इधर से भी गए, समझाने की कोशिश नाकाम रही। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सख्त हुई सुरक्षा। घटना के 3रे दिन भी पुलिस की जबरदस्त तैयारी। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी। कुशल चौकसी ब्लॉक और बी ब्लॉक के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर्स में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी। आने जाने वालों पर पैनी नजर। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की तलाश। पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी। संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नया मोड़। आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर 3 में से 1 शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी परमिशन। शांति के साथ गुजर गई थी 2 यात्रा। शाम को बिना इजाजत वाली 3री यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली कैसे। जहांगीरपुरी हिंसा केस में बीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकाले पर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराजगी। पुलिस की छवि होगी धूमिल। वहीं 16 अप्रैल के दिल्ली दंगे को लेकर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कई बड़े खुलासे। चश्मदीदों ने बताया साजिश का सच। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाया आरोप। जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से हुआ पथराव। स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों का दावा पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से हमला। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप। मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बड़ा बवाल। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर इल्जाम। पटना सिटी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट। दुकानों में तोड़फोड़। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा पहले निगम चुनाव को टाला और अब हंगामा। बीजेपी कर रही है बांटो और राज करो की राजनीति। यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान हनुमान जी की जाति का जिक्र। मैंने विधानसभा में यह बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था
तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे, हम हनुमान जी की संतान हैं। कर्नाटक के हुबली में तनाव बरकरार, पुराने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। एमपी खलगौर के दिव्यांग वसीम ने दर्ज कराई शिकायत, बुलडोजर की चपेट में आ गई थी उसकी गुमती। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश, लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाए लेकिन आवाज परिसर से बाहर ना आए। एसपी नेता रुबीना खानम ने कहा हनुमान चालीसा के जवाब में मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगे महिलाएं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा उन लोगों का क्या जो हथियार लेकर लोगों को आतंकित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बाद असम में भी मांग तेज, खुद मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा बोले परीक्षा या दूसरे उत्सव के वक्त ना बजाएं मस्जिदों पर लाउडस्पीकर्स। फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी, कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल सहित कई योजनाओं की रखी आधारशिला। वहीं जामनगर में डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया, मॉरिशस के पीएम भी साथ मौजूद रहे। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए खास पहल, खेती की जमीन और मकान के लिए पट्टा। लखनऊ के लोकभवन में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दस जनपद पर आज भी कांग्रेस नेताओं की बैठक, प्रशांत किशोर के साथ 2024 चुनाव की रणनीतियों को लेकर माथापच्ची। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 1247 से ज्यादा नए पेशेंट। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कल एक दिन में 501 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 107 नए मामले सामने आए, इनमें 33 बच्चे संक्रमित। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में फिर से मास्क लगाना अनिवार्य, सीएम योगी ने आदेश दिया। हरियाणा के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। वहीं बिहार के कैमूर में हैंडपंप खराब होने से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान, 60 स्कूल्स में नहीं मिल रहा मिड डे मील। स्कूल आने वाले बच्चों के लिए पीने का पानी मिलना भी मुश्किल, गांव वालों ने कहा नहीं हो रही कोई सुनवाई। बिहार के सासाराम में 2 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया, खून से लथपथ मिली, आरोपी किरायेदार फरार। शाहपुर में हो रहा था मिट्टी का अवैध खनन, रोकने पर की पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट। चमोली हेमकुंड साहिब मार्ग से आई ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने, पानी की तरह बह रही है बर्फ। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में लैंडस्लाइड, एक परिवार के 3 लोग जिंदा दब गए। वहीं 17 अप्रैल से हो रही भारी बारिश के बाद हादसा, पानी के साथ बह गए थे 1 घर के 5 लोग। हादसे में किसी तरह बच गई 2 लोगों की जान, कई घरों को पहुंचा नुकसान, बेघर हुए लोग। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा सामने आया है, नर्सरी में वार्मर की गर्मी बढ़ने से 2 लोग, 2 नवजात बच्चे झुलस गए। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का दौर, यात्रा की तैयारियां करने में हो रही है खास दिक्कतें। 6 मई से धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू, द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य में भी मुश्किल है। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव, तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर तीर्थ पुरोहितों ने जताया आक्रोश, कहा देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद सरकार अपना रही है नया कंडा। तीर्थ पुरोहितों ने दी चेतावनी, प्रस्ताव निरस्त करने को लेकर सभी धामों में होगा आंदोलन। देवरिया में तिलक समारोह से लौट रही बोलेरो यूपी रोडवेज की बस से जा टकराई, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में 10वीं की छात्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई, पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से बरामद किया 1 आरोपी, गिरफ्तार हुआ। सीकर में एक होटल के कमरे में आग लग गई, 2 युवक जिंदा जल गए। हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता को जेल, धार्मिक आस्था को लेकर विवादित बयान के बाद एक्शन।
धनबाद में बीजेपी के दबंग विधायक के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन, पीड़ित महिला ने लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल का आज दूसरा दिन, सीएनजी की बड़ी कीमतों का विरोध। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, दहशतगर्दों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में आग की चपेट में आए 14 मकान, बुझाने की कोशिश में कुछ लोग हुए जख्मी। बनारस के काशी विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद प्रियंका गुप्ता ने पटना में खोली चाय की दुकान, 2 साल से कर रही थी नौकरी पाने की कोशिश। समस्तीपुर में अवैध शराब के साथ पकड़े गए 6 कारोबारी, हथियार जब्त। सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर लोगों का प्रदर्शन, एक शख्स से मारपीट के बाद बवाल। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में आग लग गई, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। उत्तर प्रदेश चंदौली में भीषण गर्मी की वजह से रैपर मशीन में लग गई आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। रायबरेली में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार। दबंगों के डर से भरतपुर के गांव से दलितों का पलायन, अंबेडकर जयंती के दिन रैली निकालने को लेकर हुई थी मारपीट। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन, खुद ट्वीट करके बताई दुखद खबर।